प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। रत्न करंडक श्रावकाचार में धर्म के स्वरूप में रत्नत्रय को धर्म कहा है। यहां पर आचार्य महाराज ने धर्म की विभिन्न परिभाषाओं को गौण करते हुए रत्नत्रय की परिभाषा को प्रधानता दी है। रत्नत्रय का अर्थ क्या होता? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्न हैं। इन्हें रत्न क्यों कहा? क्योंकि बड़ी दुर्लभता से ये प्राप्त होते हैं, बड़ी दुर्लभता से। 6 द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य के अंदर ही ये योग्यता है कि वो रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्यों में योग्यता नहीं है। जीव की ऐसी स्वाभाविक शक्ति है कि वह रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। जीव में भी सभी जीवों को नहीं है, भव्य जीव को ही है, अभव्य को नहीं है। भव्य जीव में भी बहुत सारी शर्तें हैं, एक इंद्रियादिक को नहीं, विकलत्रियों को नहीं, पंचेंद्री पना प्राप्त किया और अगर मन नहीं है तो बिना मन वाले को नहीं। बिना मन वाले को क्यों नहीं? क्योंकि जब तक अच्छे और बुरे के विचार करने की क्षमता हमारे पास नहीं आती है तब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। तत्व का ज्ञान होना, तत्व की प्रतीति होना, तत्व के प्रति रुचि होना, ये मन का विषय है। अगर मन है तो हम विचार कर सकते हैं, और विचार करने योग्य मन ही नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। मन की परिभाषा क्या दी शास्त्रों में? हेयोपादेय, हे और उपादेय का विचार करना, ये मन का काम है। हे उपादेय विवेक विकलह मनः, क्या परिभाषा दी? हे उपादेय विवेक विकलह मनः, हे उपादेय का विवेक जिसमें आता है, विचार जिसमें आता है, वो मन है। ऐसे संगी पंचेंद्रीपना होना, उसमें भी गर्भज होना, उसमें भी साकार उपयोग होना आदि आदि बहुत सारी चीजें मनुष्य के लिए हैं। इन शर्तों को जो पूरा कर रहा है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन को अत्यंत दुर्लभ होने के कारण रतन कहा। ज्ञान भी रतन है। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान की बात नहीं, विशेष ज्ञान की बात है, और वह विशेष ज्ञान
भगवान के वीतराग विज्ञान से जुड़ा होता है। ऐसा विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसे रतन कहा। चारित्र के क्षेत्र में ऐसी क्रियाएं करना अज्ञानता पूर्वक अलग बात है, लेकिन विचार और विवेक पूर्वक क्रियाओं को करना, ऐसी क्रियाओं को करना जिनसे कर्म का आश्रय रुकता है और बंधे हुए कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे चारित्र को सम्यक चारित्र कहा जाता। ये अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसलिए इसे भी रतन कहा। सम्यक दर्शन की चर्चा अब यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे रत्नों में सम्यक दर्शन रतन क्या है, श्लोक नंबर 4 मिलान करें सभी जन, उच्चारण भी करेंगे। श्रद्धानं परमार्थाना माप्ता गम तपोव्रताम् त्रमूला पोड़मष्टांगम् सम्यक दर्शन मस्मयम्। एक साथ मिलकर श्रद्धानं परमार्थाना माप्ता गम तपोव्रताम् त्रमूला पोड़मष्टांगम् सम्यक दर्शन मस्मयम्। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? सबसे पहले शब्द पकड़ो, इसमें से परमार्था नाम आगे तक जाएगा, संस्कृत चल रही है, परमार्थाना नहीं है, परमार्था नाम है, अर्थात परमार्थभूत। परमार्थभूत का मतलब क्या? जो स्वयं कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं अथवा कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, क्या मुक्ति को पा लिया है अथवा मुक्ति के मार्ग में मुक्ति को पाने के लिए लगे हुए हैं, दोनों बातें। ऐसे कौन क्या करें, उन पर परमार्थानाम परमार्थभूत परम कल्याणकारी। संसार की बात नहीं चल रही, संसार को बढ़ाने की बात भी नहीं चल रही, यहां पर परमार्थभूत जो स्वयं मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं अथवा मुक्ति के को प्राप्त करने के मार्ग में लगे हैं, सिद्ध परमात्मा ने मुक्ति प्राप्त कर ली, अरहंत परमात्मा मुक्ति को प्राप्त करेंगे, अभी उन्हें हम जीवन मुक्त तो कह सकते हैं लेकिन कर्म मुक्त नहीं कह सकते। जीवन मुक्त इसलिए कह सकते कि अब उनका अगला जन्म नहीं होगा, क्या उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब अरहंत भगवान का अगला जन्म नहीं होगा, होगा निर्वाण ही, लेकिन अभी वर्तमान में अघातिया कर्म तो बैठे हैं ना, घातिया ही नष्ट हुए, अघातिया है, इसलिए अरहंतों को जीवन मुक्त कहते हैं, कर्म मुक्त नहीं कहते। सिद्धों को कर्म मुक्त भी कहते हैं, जीवन मुक्त तो है ही। इस तरह से सिद्ध और अरहंत परमात्मा, एक ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, एक मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आचार्य उपाध्याय साधु ये मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं, आगे चल करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे परमार्थभूत पंच परमेष्टि
की बात यहाँ पर की, लेकिन इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, आप्त आगम तपोव्रताम, तीन का स्मरण किया। परमार्थभूत कौन है? आप्त आगम और तपोव्रत। आप्त यानी भगवान, अरहंत सिद्ध दोनों को परमात्मा कहा है। अरहंत और सिद्ध पंच परमेष्टियों में परमात्मा माने गए। अंतर केवल इतना किया हमने कि एक को सकल परमात्मा कहा और एक को क्या कहा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल का अर्थ क्या होता, सकल सकल सूरत नहीं, वैसे देखें तो वही भाव है, लेकिन सकल का अर्थ आप अपनी सूरत को लगा लेते हैं, चेहरे वेहरे को देखने लगते हैं। सकल का अर्थ संस्कृत में कल यानी शरीर, कल का अर्थ क्या होता, कल का अर्थ शरीर संस्कृत में, और सकलह शरीर सहित जो परमात्मा है वो अरहंत सकल परमात्मा है। और निर्गतः कलह, निकल गया है कल अर्थात शरीर जिनका, ऐसे वो सिद्ध निकल परमात्मा माने गए। ऐसे परमात्मा के रूप में देव अरहंत सिद्ध। आगम का अर्थ क्या है, आगम अरहंत भगवान की वाणी, क्या अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, केवलियों की वाणी, उसे आगम कहा गया। आगम अर्थात भगवान की वाणी ग्रंथ। वाणी मूल में है, ग्रंथों का लेखन बाद में हुआ है। अगर केवली और तीर्थंकर विद्यमान हैं तो उनके सामने ग्रंथों की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात उपदेश मिलता है। ये ग्रंथ तो तब लिखे गए हैं जबकि ये ख्याल में आने लगा आचार्यों को कि अब निरंतर स्मृति छीन होती जाएगी और पंचम काल कलिकाल के प्रभाव से एक केवल ज्ञान की परंपरा कहीं विलुप्त न हो जाए, इसके लिए भगवान की वाणी का सार जो गणधरों ने बताया उसे लिखो, लिपिबद्ध करो। लिपिबद्ध किया गया और ग्रंथ हमारे पास तक आए। आगम शब्द का अर्थ क्या निकाले अपन, आ ग और मा, आ ग और मा, आगम, इसका अर्थ क्या निकालें, आ यानी आप्त कथित भगवान के द्वारा कहा गया, ग यानी गणधर रचित, और मा मनन करें मुनिराज, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, गणधरों के द्वारा जिसे गूंथा गया हो, तैयार किया गया हो, और मुनिजन आचार्यजन जिन पर निरंतर चिंतन करते रहते हो, वो आगम है। ऐसे आगम तपोवृत, तपोवृत का अर्थ क्या होता है, तपस्वी। तपोवृत का अर्थ क्या होता है, तपस्वी। तपस्वी कौन होते हैं, जो तप को करते हैं। तप करने से क्या होता है, तप करने से लाभ क्या है, देखो अगर ऊष्मा ना मिले, आंच ना मिले, तो तुम्हारा भोजन पके नहीं। खाद्य सामग्री ढेर सारी रखी है लेकिन यूं ही खाने योग्य नहीं है, उसे पहले पकाओ, तो पकाओ तो अग्नि लाओ, तब पकेगी। अग्नि से पका हुआ भोजन भी अगर तुमने कर लिया तो अंदर अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि अंदर की अग्नि मंद हो गई, क्या कहते हैं,
बारिश के दिन चल रहे हैं, अभी अग्नि मंद हो रही है, संभल करके भोजन करना। ठंड का समय अलग होता है, गर्मी का समय अलग, ये बारिश का समय है, अग्नि अंदर की मंद होती है, उस बात का ध्यान रख करके भोजन करना। अच्छे बढ़िया एक आसन करो, विभिन्न चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ो, नियमित दिनचर्या बनाओ, तो तपोवृत तप अग्नि भोजन को पकाने में और भोजन को पचाने में जैसे काम करती है, ऐसी अग्नि। अगर धूप न मिले तो पेड़ों में लगे हुए फल, वृक्षों के फल पकेंगे नहीं, पकेंगे नहीं तो उनमें मिठास नहीं आएगी। अगर मिट्टी को कुम्हार पकाए नहीं तो तुम्हारे मिट्टी के बर्तन ना बने। मतलब आंच की जरूरत सब जगह है। सबसे बड़ी शुद्धि बर्तनों में किसकी मानी जाती है? पानी, पाउडर, ये वो राख, इन सबसे भी ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण शुद्धि बर्तनों की अग्नि में डाल दो। बर्तन को क्या अग्नि में डाल करके फिर बस, बर्तन कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी समुदाय ने उसका उपयोग कर लिया हो, लेकिन हमने लिया तो अग्नि में डाल दिया। अब गर्म हो करके जो निकला, मतलब बर्तन एकदम शुद्ध हो गया। ऐसे ही आँच ऊष्मा किसकी? ध्यान की अग्नि से कर्मों को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ऐसे कर्मों को नष्ट करने वाले कौन? तपोवृत, तपस्या करते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। हाँ, जरा सा कठिन काम मिल जाए किसी को, ए भैया हमसे नहीं जम रहा, हम ही एक अकेले मिले इतना सारा काम दे दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है, कर तो रहा है लेकिन खेद के साथ कर रहा है। मोक्ष मार्ग में खेद के साथ तपस्या नहीं होती, प्रसन्नता के साथ तपस्या होती, क्योंकि मोक्ष मार्ग की तपस्या मजबूरी में नहीं होती है, मजबूती के साथ होती है। क्या? हाँ, मजबूरी में नहीं होती है, मजबूती के साथ होती है, और शरीर के बल से नहीं होती है, मन के बल से होती है। शरीर का बल किसी में कितना भी हो, किस काम का? एक आसन ही नहीं कर पा रहा, उपवास का सुनकर के चक्कर आ जाए, बलवान किस काम का फिर, और एक दुबला पतला, और वो उपवास कर लेता है, एक आसन कर लेता है, तो शरीर बल नहीं। मोक्ष मार्ग में शरीर का बल काम नहीं करता, मोक्ष मार्ग में तो आत्मा का बल काम करता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में जो तपस्या की जाती है वो मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ की जाती है। प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।